हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैकेनिक डीजल का, और वो है हमारे पास चार्जिंग सिस्टम। देखिए, चार्जिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास चार्जिंग सिस्टम होती है, क्यों चार्जिंग सिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमारे पास कॉम्पोनेंट होते हैं चार्जिंग सिस्टम के अंदर, उन सारी बातों के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, चार्जिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लूँ तो चलिए एक बाइक का हम एग्जांपल लेते हैं। तो बाइक के अंदर अगर आपको जैसे बाइक का इंडिकेटर जलाना है, उसकी हेडलाइट जलानी है, हॉर्न को आपको काम में लेना है, तो इन सारे कामों के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन सारे कामों के लिए आपको क्या पड़ती है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाइक में कौन प्रोवाइड करवाएगी? जो बाइक के अंदर हमने बैटरी लगा रखी है, वो बाइक के अंदर लगी हुई बैटरी हमको इंडिकेटर जलाने के लिए, हेडलाइट जलाने के लिए, या इसके अलावा हॉर्न अगर आपको यूज करना है, सेल्फ स्टार्ट अपनी बाइक को करना है, तो ये बैटरी आपको उस सारे कामों के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो फिर क्या किया जाएगा कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद उसे वापस से काम करने लायक बनाने के लिए हमें बैटरी को क्या करना पड़ेगा भाई? उसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज हुई बैटरी को ये जो चार्ज करने का पूरा काम किया जाता है, ये कंप्लीट वर्क किया जाता है चार्जिंग सिस्टम की मदद से। किसकी मदद से किया जाता है? चार्जिंग सिस्टम की मदद से। देखो, इस चार्जिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा कि कभी देखो आपने फील किया होगा कि शुरुआत में जैसे आपने बाइक स्टार्ट करी तो उस वक्त आपकी बैटरी लो थी, बहुत कम उसमें चार्जिंग थी, लेकिन जैसे जैसे आप बाइक को चलाते जाते हैं तो बैटरी क्या होती है? चार्ज होती जाती है। देखो होगा आप कभी आपने कि जैसे शुरुआत में मान लीजिए आपका हॉर्न काम नहीं कर रहा क्योंकि बैटरी में बिल्कुल चार्जिंग नहीं है, आपने किक से बाइक स्टार्ट कर ली, आपने 10-15-20 किलोमीटर उसको चलाई, तो आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा उसका हॉर्न काम करने लगता है, फिर ज्यादा चला लेंगे तो थोड़ा बेटर तरीके से वो काम करने लगता है। तो देखो, चार्जिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जब हमारी गाड़ी या जो भी हमारी बाइक है वो जब चलती है तो उसके अंदर जो इंजन लगा है, जब वो इंजन घूमता है तो वो इंजन क्या करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है, उस यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी विद्युतीय ऊर्जा में वो उसको कन्वर्ट करेगा। तो चार्जिंग सिस्टम में देखो मेन काम क्या होगा, चार्जिंग सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा वो ये होगा कि चार्जिंग सिस्टम के अंदर इंजन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि क्या हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाएगा, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। देखिए, अब जो हमारे पास मेन कॉम्पोनेंट है चार्जिंग सिस्टम के, उन मेन कॉम्पोनेंट्स के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से हमारे पास अपने चार्जिंग सिस्टम के अंदर मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं कि भाई चार्जिंग सिस्टम के जो हमारे पास महत्वपूर्ण भाग है, उन महत्वपूर्ण भागों के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होगी वो होगी हमारे पास बैटरी। अगर आपके पास बैटरी ही नहीं है तो चार्जिंग सिस्टम का यूज करके आप किसे चार्ज करेंगे? तो एक तो इसके अंदर हमारे पास होती है बैटरी। ये बैटरी एक्चुअली में क्या होती है कि केमिकल सेल्स का एक ग्रुप होती है। आपने पढ़ा होगा रासायनिक सेलों के बारे में, तो बैटरी के अंदर क्या होगा, केमिकल सेल का एक ग्रुप होती है। अब जिस हिसाब की भी जितनी कैपेसिटी की हमें बैटरी बनानी है उस हिसाब से हम अपने सेल का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो हमारे पास यहाँ पर बैटरी होगी, सेकंड चीज यहाँ पर होगी हमारे पास डायनमो, दूसरी चीज क्या होगी भाई हमारे पास यहाँ पर डायनमो होगी। डायनमो को आप एक इंजन मान सकते हो। डायनमो क्या करेगा, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और देखिए, आजकल हम क्या करते हैं कि डायनमो की जगह अल्टरनेटर का भी इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। तो आजकल की जो नई गाड़ियां आ रही है उनमें डायनमो की जगह ऑल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ऑल्टरनेटर का क्यों यूज किया जाता है, क्यों डायनमो आजकल आउटडेटेड हो रहे हैं और ऑल्टरनेटर उनकी जगह ले रही है, ये हम तब समझेंगे जब हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। बट अभी के लिए हमें तीन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट समझने हैं। एक हमारे पास है बैटरी, दूसरा है हमारे पास डायनमो और तीसरा है हमारे पास ऑल्टरनेटर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बैटरी के बारे में, उसके बाद हम डायनमो के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली हम ऑल्टरनेटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला जो डिस्कशन शुरू करेंगे वो शुरू करते हैं बैटरी से। देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस एक काम करना, एक पेन ले लेना और अपनी नोटबुक ले लेना, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी नोट करने लायक वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, वो आपको सिंपली नोट करना है। फाइनली जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो चलिए अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल शुरू हो जाइए, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो पहली बात तो यहाँ सुनो, बैटरी किस काम आती है। बैटरी का जो नॉर्मल काम है वो हमें पता है कि भाई जितने भी हमारे पास ऐसे उपकरण होते हैं, जैसे जितने भी ऐसे काम होंगे ऑटोमोबाइल के अंदर जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी द्वारा सप्लाई की जाएगी। अब देखो बैटरी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग साइज की, बाइक के लिए छोटी होगी, कार के लिए थोड़ी बड़ी हो सकती है, बस ट्रक या और भी अगर हमारे पास कोई बड़ा व्हीकल है तो जितनी उसके अंदर हमें एनर्जी की जरूरत है उनके हिसाब से अलग अलग साइज की, अलग अलग वोल्टेज की हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी की बैटरी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हम बैटरी के कुछ मेन पार्ट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं कि बैटरी के मेन कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स होते हैं। तो देखो जो पहला पार्ट है बैटरी का वो होता है बैटरी बॉक्स। ये जो बैटरी बॉक्स होता है, ये बैटरी बॉक्स होता है हमारे पास बैटरी का आउटर पार्ट, यानी बैटरी का जो बाहरी हिस्सा होता है, इस बैटरी के बाहरी हिस्से को हम बैटरी बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहां पर जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बैटरी बॉक्स किसका बनाया जाता है। तो देखो बैटरी बॉक्स को हम बनाते हैं हार्ड रबर के इस्तेमाल से। हार्ड रबर इज यूज्ड टू मैक बैटरी बॉक्स। बैटरी बॉक्स बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हार्ड रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अगर आपके घर में इन्वर्टर होगा तो उस बैटरी को आप देख लेना, सिमिलर मैं उसी बैटरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी होती उसको देख लेना, वहां पर आपको दिखेगा कि जो उसका आउटर पार्ट होगा उस आउटर पार्ट को हार्ड रबड़ का बनाया जाता है। अब देखना कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उस ऊपर वाले हिस्से पर आपको कुछ इस तरह के गोल गोल स्क्रू दिखेंगे जिन्हें हम वेंट प्लग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह गोल गोल आपको स्क्रू दिखेंगे तो उन स्क्रू को हम जानते हैं वेंट प्लग के नाम से, और ये जो वेंट प्लग है इस वेंट प्लग को भी हार्ड रबर की मदद से बनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन गए, बैटरी बॉक्स किसकी मदद से बनाया जाता है और वेंट प्लग किसकी मदद से बनाया जाता है। अब देखो बैटरी बॉक्स के अंदर क्या होंगे कि जितनी भी कैपेसिटी की हमें बैटरी बनानी है उस कैपेसिटी के हिसाब से वहां पर सेल लगे हुए होते हैं। अब जो आपका बैटरी बॉक्स होगा उस बैटरी बॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, इन वेंट प्लग को खोलकर अगर आप देखेंगे तो वो अंदर से खाली होता है। उसमें क्या होगा कि कुछ मेटल की प्लेट्स उसके अंदर लगी हुई होती है। देखना कभी भी कोई खराब बैटरी अगर आपकी हो जाए, या कभी जैसे आप जैसे आपको उसके अंदर एसिड डालना है या फिर मेनली हम डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो कभी ऐसा अगर आपका काम पड़े तो उसको खोल के देखना कि नीचे वो पूरा खाली होगा। खाली इन द सेंस कि उसके अंदर कुछ धातु की प्लेटें होंगी, और वो जो धातु की प्लेटें हैं यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान लो कि पूरी इतनी चौड़ाई का आपके पास बैटरी बॉक्स है तो जो मेटल प्लेट्स होगी वो मेटल प्लेट इस तरह जो इसका बॉटम है उस बॉटम से थोड़ी सी ऊंचाई पर होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मेटल प्लेट बिल्कुल आपके नीचे इसके बॉटम को टच करती हुई हो, थोड़ी सी ये ऊंचाई पर लगी होगी, यानी ये आपको यहां पर कुछ स्पेस मिलेगा। अब देखो ये स्पेस यहां पर क्यों दिया जाता है, इसका भी रीजन समझो कि देखो जैसे जैसे बैटरी वर्क करती जाती है तो इसके अंदर जो मेटल प्लेट लगी हुई है उनसे क्या है कि मेटल गिर के नीचे गिरने लगती है, मेटल उसमें से निकल के नीचे गिरने लगती है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बुरादा टाइप से, ठीक है, बुरादा टाइप से बन जाता है और वो इसके अंदर नीचे गिर के जमा होने लगता है।
तो वो नीचे प्रॉपरली जमा हो सके, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ी सी ऊंचाई पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो आपने क्या किया कि बिल्कुल अपनी प्लेट्स को यहां पर लगा दिया, ठीक है, तो जो भी इन धातुओं का बुरादा निकलेगा, क्योंकि भाई एसिड होता है, कोरोजन वहां पर होता है, बहुत सारी रिएक्शन होगी, तो देखो जो भी वहां पर मेटल का बुरादा निकलेगा वो क्या होगा कि यहां पर इस तरह मान लो जमा हो गया, ठीक है। अब ये अगर इस तरह ये जमा हो गया तो ये क्या करेगा कि जो प्लेट्स है उन प्लेट्स को ये शॉर्ट सर्किट कर देगा और बैटरी वहां पर डैमेज हो जाएगी। तो बैटरी प्रॉपर आपकी काम करती रहे, उसकी प्लेटें शॉर्ट ना हो, इसीलिए हम इस तरह की यहाँ पर खाली जगह छोड़ते हैं। देखो कभी भी इंटरव्यू के दौरान ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि क्या क्वेश्चन था और हमें उसका क्या आंसर करना है। तो ये आपके पास होती है। सबसे पहले हमने बात करी बैटरी बॉक्स के बारे में। चलिए बैटरी बॉक्स कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल ये हमारी बैटरी है और ये जो इसका आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट हमारे बैटरी बॉक्स है। देखो बाकी यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं इनकी मैं बात कर रहा था, जो वेंट प्लग की मैं बात कर रहा था, वो वेंट प्लग आपके ये थे, ठीक है, यहाँ पर इनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये हुआ ये हुआ, तो इनकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ठीक है। तो ये कसे हुए होते हैं, तो जब भी आपको एसिड डालना हो या डिस्टिल वाटर जो भी आपको डालना है तो वो आप इनको खोल के डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे अब हम यहां पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं सेकंड पार्ट की बैटरी के। और जो बैटरी का सेकंड पार्ट होता है वो बैटरी का सेकंड पार्ट होगा हमारे पास बैटरी की प्लेट्स, ठीक है। तो देखो बैटरी में अगर हम प्लेट की बात करें तो बैटरी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट्स भी होती है और साथ ही साथ बैटरी के अंदर हमारे पास नेगेटिव प्लेट्स भी होती है। अब देखो इन प्लेट्स के बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई इन प्लेट से आपको जरूर क्वेश्चन आता है। ये जो प्लेट बनी होती है, ये प्लेट बनी होती है लेड की, यानी शीशे की ये प्लेट बनी हुई होती है। तो पहला सवाल आपके सामने आ जाएगा कि बैटरी की प्लेट किसकी बनी होती है। तो बैटरी की प्लेट आपकी बनी होती है लेड की, यानी शीशे की। अब देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं पॉजिटिव प्लेट के बारे में, तो पॉजिटिव प्लेट पर हम लेड परोक्साइड की एक परत चढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव प्लेट पर हम किसकी परत चढ़ाते हैं, लेड परोक्साइड की। और उस लेड परोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है PbO2। तो पॉजिटिव प्लेट पर हम लेड परोक्साइड की प्लेट चढ़ाते हैं और ये जो आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, ये पॉजिटिव प्लेट आपके ब्राउन कलर की होगी। देखो दोनों प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि दोनों प्लेट से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव प्लेट किसकी बनाई जाती है, नेगेटिव प्लेट किसकी बनाई जाती है, ये आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव प्लेट पर लेड परोक्साइड की परत चढ़ी होती है और ये आपके ब्राउन कलर की होगी। बात करूं अगर मैं नेगेटिव प्लेट के बारे में, तो नेगेटिव प्लेट एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी भरा जाता है। नेगेटिव प्लेट के अंदर क्या क्या जाता है, एंटीमनी भरा जाता है। और ये जो आपकी नेगेटिव प्लेट होती है, ये नेगेटिव प्लेट आपकी ग्रे कलर की होगी। अब देखो जिस हिसाब की भी आपको बैटरी बनानी है, जितना वोल्टेज उसका रखना है, उस हिसाब से आप इनकी जो डायमेंशन है, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है, वो डायमेंशन आप रख सकते हो, ठीक है। एक अगर आपको सेल बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट का एक आप पूरा ग्रुप वहां पर बना देंगे, तो उस ग्रुप को आप एक सेल बोलेंगे। दो अगर आपको सेल बनाने हैं तो इस तरह के आप क्या करेंगे, दो ग्रुप बना देंगे। तो ये आपको वहां पर करना होता है। और यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स, नेगेटिव प्लेट की जो संख्या है वो आपके पास बराबर होती है नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट प्लस वन, यानी नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट की संख्या से एक ज्यादा होगी। देखो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके दोनों एंड पर नेगेटिव प्लेट आपको मिले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोई सेल बना रहे हो, तो ये आपके पास नेगेटिव प्लेट होगी, ये फिर पॉजिटिव होगी, फिर ये नेगेटिव प्लेट होगी, फिर ये पॉजिटिव प्लेट होगी, फिर ये नेगेटिव होगी, और फिर ये पॉजिटिव होगी, और फिर ये नेगेटिव होगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन तो पॉजिटिव प्लेट है और 1 2 3 4 चार हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सेल के दोनों एंड पर हमारे पास एक एक नेगेटिव प्लेट हो, बाकी जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है उनको इन दोनों नेगेटिव प्लेट के बीच में रखा जाता है।
तो ये आपकी बात हुई यहाँ पर प्लेट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेपरेटर के बारे में कि क्या सेपरेटर होता है और उसका क्या काम होगा। देखिए सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आपस में शॉर्ट ना हो, तो उनको शॉर्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक ग्लास फाइबर, ग्लास वुड या फिर प्लास्टिक का बना हुआ है एक सेपरेटर हम उन दोनों के बीच में लगा देंगे। वो क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को सेपरेट कर देगा ताकि वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए इस तरह का आपका सेपरेटर यहां पर दिखेगा, एक आपके पास पॉजिटिव है, एक आपके पास नेगेटिव है, और ये जो बीच में आपको ग्लास का दिख रहा है ये आपके सेपरेटर का काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को सिंपली ये सेपरेट कर देगा। चलिए अगली चीज हम यहां पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है बैटरी के अंदर, वो होगी हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी अगर आपने देखी होगी तो वहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखे होंगे, दो इस तरह की खूंटियां होती है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, खूंटियां होती है। वहां पर आप क्या करोगे, कनेक्शन कर देंगे, और जिस भी इक्विपमेंट को आपको पावर सप्लाई करवानी है उस इक्विपमेंट को आप पावर सप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, देखो कई बार आपने देखा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर क्या हो जाता है कि यहां पर कुछ जम सा जाता है, ठीक है, एसिड का जो निकलता है वो इनके ऊपर जम जाता है। तो इनको अगर मान लो कभी आपको कनेक्शन चेंज करना है या कभी खोलने की जरूरत पड़ी इसको, तो ये आसानी से खुलती नहीं है। तो उसमें क्या करो, सिंपल एक काम करो कि गर्म पानी इनके ऊपर डाल दो ताकि इन पर जो जमा हुआ है वो हट जाए और ये आसानी से खुल जाए। तो इस तरह के दो टर्मिनल हमारे पास होंगे, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास चीज आती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो जो भी आपकी प्लेट्स होंगी उन प्लेट्स को हम क्या करते हैं, गंधक का अम्ल या जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, उन प्लेट्स को हम सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल के अंदर हम उसको डुबोकर रखते हैं, क्योंकि भाई केमिकल सील है तो उसके लिए हमें किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर उसको वर्क करना है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की मदद से ही वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का एक घोल बनाकर जो आपका बैटरी बॉक्स है उस बैटरी बॉक्स के अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर हम अंदर फिर प्लेट्स लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो यही बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बैटरी के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। देखो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये आपके क्या होता है ये आपके डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, डाइल्यूट होगा ये, क्योंकि इसमें हम प्योर एसिड का इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात ध्यान रखना, प्योर एसिड का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। प्योर एसिड के अंदर हम पानी मिलाते हैं और इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहां पर बनता है वो बनता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इस सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। ठीक है, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर हम यूज करते हैं, यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बनता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इस सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि इसका विशिष्ट घनत्व कितना होगा। देखो ये एक रेंज होती है वैल्यू की, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड आप अपने बैटरी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास 1.250 से लेकर 1.280 के बीच में। ठीक है, तो कभी कभी जैसे अगर आपके घर में इन्वर्टर होगा तो कभी आपने देखा होगा कि आपकी बैटरी ज्यादा काम नहीं कर पा रही, फुल चार्ज होने के बाद भी वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही। ठीक है, नई है बैटरी, पुरानी भी नहीं हुई, लेकिन फुल चार्ज होने के बाद भी वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें या तो एसिड बढ़ गया या फिर एसिड घट गया, मतलब इस रेंज से कम या ज्यादा अगर वैल्यू हो जाती है तो उस केस में फिर आपकी बैटरी प्रॉब्लम करेगी। तो फिर जो बैटरी वाला है वो आके उसको चेक करेगा, उसके पास एक मीटर होगा, फिर जो भी उसके पास वैल्यूज आएगी वो देख लेगा कि हाँ भाई इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से वो उसको फिर ठीक कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होगी, विशिष्ट घनत्व इसका कितना होता है। चलिए नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर बढ़ते हैं।
अगली बार में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि बैटरी की अलग अलग जो सिचुएशंस होती है, अलग अलग जो कंडीशंस होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं वेरियस कंडीशंस ऑफ बैटरी, यानी भाई किस कंडीशन में आप बैटरी को डिस्चार्ज मानेंगे, किस कंडीशन में आप उसको सेमी चार्ज मानेंगे, किस कंडीशन में आप उसको फुल चार्ज मानेंगे, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो तीन कंडीशंस होती है बैटरी की, एक होती है इसकी फुली डिस्चार्ज, ठीक है, यानी आपकी बैटरी पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। एक हम इसको बोलते हैं यहां पर सेमी चार्ज या फिर हाफ चार्ज हम इसको बोलते हैं, और एक हम इसको बोलते हैं फुल चार्ज कंडीशन। तो देखिए फुली डिस्चार्ज अगर आपकी बैटरी है, तो फुली डिस्चार्ज का मतलब है कि जो आपका पर सेल वोल्टेज है, प्रति सेल जो वोल्टेज है, वो पर सेल वोल्टेज आपका 2 वोल्ट से कम है। अगर पर सेल वोल्टेज आपका 2 वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब जो आपकी बैटरी है, वो बैटरी आपकी फुली डिस्चार्ज कंडीशन में है। हाफ चार्ज कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके पास पर सेल वोल्टेज होगा, वो पर सेल वोल्टेज 2.0 से 2.15 वोल्ट के बीच होगा। और फुल चार्ज कंडीशन की अगर हम बात करें, तो फुल चार्ज कंडीशन में जो आपका पर सेल वोल्टेज होता है, वो पर सेल वोल्टेज हमारे पास होता है 2.2 वोल्ट, ठीक है। तो 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से अगर कम है, तो इसका मतलब पूरी डिस्चार्ज है, 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट के बीच है, तो इसका मतलब ये हाफ चार्ज है। और 2.2 वोल्ट अगर पर सेल वोल्टेज आपका, तो आप कह सकते हैं कि आपकी बैटरी इस वक्त फुली चार्ज कंडीशन में है। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहां पर बात करेंगे बैटरी चार्जिंग सर्किट के बारे में कि भाई जो आप बैटरी चार्ज कर रहे हो, उस बैटरी चार्जिंग का क्या सर्किट होगा। तो देखो तीन तरह के हमारे पास बैटरी चार्जिंग के सर्किट होंगे। एक होगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होगा हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सीरीज सर्किट के बारे में। देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, 2-3 पॉइंट्स मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो पहला थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। देखो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये इस एलिमेंट का पहला सिरा है, ये इस एलिमेंट का दूसरा सिरा है, फिर ये आपके पास कोई दूसरा एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट का पहला सिरा है, ये इस एलिमेंट का दूसरा सिरा है। सिमिलरली ये आपके पास कोई एलिमेंट है, इसका भी ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा होगा। तो अगर आप क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट के सेकंड वाले टर्मिनल को, फर्स्ट एलिमेंट के सेकंड टर्मिनल को सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दो, सेकंड एलिमेंट के सेकंड टर्मिनल को फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के सेकंड टर्मिनल से अगर आप जोड़ देते हो, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया जाएगा कि पहले का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड टर्मिनल सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, और इस तरह पूरी एक चेन बन जाएगी, और इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में देखो क्या होगा कि जितने भी आपके पास एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट में देखो आप क्या करेंगे कि उन सारे एलिमेंट का जो फर्स्ट टर्मिनल है उनको आप एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देंगे, और सारे एलिमेंट का जो सेकंड टर्मिनल है उस सेकंड टर्मिनल को भी आप एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देंगे। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहां पर बात। तो देखो सीरीज सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, अब देखो एक बैटरी की अगर मैं बात करूं, तो बैटरी के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो बैटरी का हमारे पास वोल्टेज होगा, और बैटरी का देखो कुछ ना कुछ खुद का रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस आप समझते हो, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस एक मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या किसी भी चीज की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करे, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है हिंदी में, विरोध करना। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी वायर की जो उसमें से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। तो बैटरी के अंदर देखो हमारे पास वोल्टेज भी होता है, और साथ ही साथ हर एक बैटरी का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो देखो अगर एक बैटरी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास बैटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बैटरी का होगा,
वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भाई? एक इस तरह से आपके पास एक सेल की, चलो अभी मैं बात करूं, बैटरी छोड़ो, एक सेल की अगर हम यहां पर बात करते हैं, सिंगल सेल लेकर उसके बाद हम आगे बैटरी पर जाएंगे, क्योंकि बैटरी एक्चुअल में होती क्या है, बहुत सारे सेल का ग्रुप ही तो बैटरी कहलाती है। तो चलिए हम यहाँ पर सेल के बारे में बात करेंगे। तो सेल के अंदर क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को हम ई से बोल देंगे, और उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर रजिस्टेंस होगा, उस रजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से बोल देंगे। तो अगर आपको इन सारे सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेल लो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल लिया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल लिया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप बोल दो, चल लो यहां पर ई आर, इसको बोल दो, इसको भी आप ई आर बोल दो, इसको भी आप ई आर बोल दो। मान लिया मैंने कि जितने भी सारे के सारे सेल है वो सारे के सारे आइडेंटिकल है। देखो अलग अलग होते तो मैं ई वन आर वन, ई टू आर टू यूज करता, बट मैंने ये मान लिया कि सारे के सारे सेल हमारे आइडेंटिकल है। तो पहला सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया, और मान लो कि ये आपका अपना लोड है, ठीक है। इस लोड का जो रेजिस्टेंस है, इस लोड का रेजिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल आर है, तो इस लोड को आपको सप्लाई देनी है, ठीक है। क्लियर है यहां पर बात, समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर देखो, एक हमारे पास एक्चुअल में दो लो होते हैं, केवीएल केसीएल नाम से हम उनको जानते हैं। तो केवीएल लॉ और कैसीएल लॉ क्या कहते हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, और जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलो पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक आपके पास ये रेजिस्टेंस है, एक आपके पास ये रेजिस्टेंस है, और एक आपके पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एक खैर हमारे पास ये लोड का ही रेजिस्टेंस है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो सीरीज के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आपके पास वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के बराबर होगा। अभी देखो मैंने यहां पर तीन सेल लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन नंबर ऑफ सेल ले लू, अभी मैंने तीन सेल लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन नंबर ऑफ सेल ले लू तो ये किसके बराबर होगा, जैसे तीन सेल में देखो कितना मिला मुझे, थ्री आर मिला, स्मॉल आर कितना मिला, थ्री आर मिला, और कैपिटल आर तो खैर हमारे पास है ही। तो अगर मैं इस तरह एन सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एन आर मिलेगा और प्लस का आर मुझे यहां मिलेगा। सेकंड अगर हम बात करें यहां पर करंट की, तो देखो ये बात तो बिल्कुल रट लो कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक एलिमेंट के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो सेम होगा। तो उस करंट को चलो हम आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तीसरी चीज यहां होती है वोल्टेज, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज होगा, इसको मैं लिख दूं यहां पर टोटल वोल्टेज, वो टोटल वोल्टेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज। और ये जो तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम को हम केवीएल के नाम से जानते हैं। किरचॉफ ने एक लॉ दिए थे, एक्चुअल में दो लॉ उन्होंने दिए थे, केवीएल और केसीएल, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जानते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में उसने क्या बताया कि एक क्लोज्ड पाथ के अंदर, देखो ये पूरा का पूरा बंद होना चाहिए पहली बात, तो करंट के फ्लो होने के लिए हमें क्लोज पाथ की जरूरत होती है। कभी ट्राई करना कि आप जैसे मान लो अपने रूम से छत पे, आप मान लो कोई बल्ब जलाना चाहते हो, तो आपने बहुत लंबा वायर ले लिया, मान लो चलो 10 मीटर लंबा आपने वायर ले लिया, उस वायर को आप अगर एक जगह से भी कट कर दोगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा एक क्लोज पाथ उसको चाहिए, पूरा पाथ होना चाहिए, कहीं से भी वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो किरचॉफ ने कहा था कि क्लोज पाथ के अंदर जो टोटल वोल्टेज होता है वो सारे के सारे वोल्टेज का सम होगा। तो यहां पर जो हमें टोटल वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई प्लस ई प्लस ई। इस तरह मान लो अगर मेरे पास एन सेल हो, अभी तो मेरे पास ए की सेल है, मान लो अगर मेरे पास एन सेल हो तो टोटल ये वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू ई के बराबर। तो ये जो टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज क्या हो गया, एन इंटू ई के बराबर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहां से मान लो टोटल फ्लो होने वाली करंट है, वो टोटल फ्लो होने वाली करंट हमारे पास कितनी है, आई के बराबर है।
तो एक और लॉ होता है इलेक्ट्रिकल में, मुझे नहीं पता आपको इसके बारे में पता है या नहीं, बट मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीजें यहाँ पर यूज हो रही है वो मैं आपको सब बताता हुआ चलूंगा। तो एक लॉ होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा कि V इज इक्वल टू आई आर, वो लॉ होगा। V यहाँ पर वोल्टेज होता है, I यहाँ पर करंट होगा, R यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। तो अगर यहाँ पर हम करंट देखें तो करंट किसके बराबर होगा, V अपोन R। V अपोन R मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, N इंटू E डिवाइडेड बाई N इंटू R प्लस कैपिटल R के। तो ये जो टोटल फ्लो होने वाली करंट होगी I, ये इसके केस में N E डिवाइडेड बाई N R प्लस कैपिटल R के बराबर होगी। तो देखो अब यहां से आपसे कभी कभी हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी पूछ ले, बट पूछे कुछ भी हम उसको इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, क्योंकि तो जितनी चीजें थी वो हम यहां पर सीख चुके हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको इससे रिलेटेड करवा देता हूं। न्यूमेरिकल देखो क्या है कि ए बैटरी हैविंग सिक्स सेल, एक बैटरी के अंदर सिक्स सेल है, ईच ऑफ 2 वोल्ट एंड 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इज आप बोल दीजिए इसको 10 ओम बोल दीजिए, चलिए चलिए 15 ओम बोल दीजिए यहां पर, लोड रेजिस्टेंस इज 15 ओम, फाइंड आउट लोड करंट 4 सीरीज चार्जिंग सर्किट। एक सीरीज चार्जिंग सर्किट के लिए आपको यहां पर लोड करंट निकालनी है। चलिए बहुत आसान सवाल है, सीरीज चार्जिंग सर्किट है तो देखो हमें कुछ नहीं करना, इतना हमें डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या क्या चीजें यहां पर करनी है। सबसे पहले तो मुझे एन ढूंढना है। चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, करंट का क्या फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास करंट का, वो था एन ई डिवाइडेड बाई एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यहां पर एन हमारे पास क्या होते थे, नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या कितनी है 6। स्मॉल आर क्या है, सेल रेजिस्टेंस, ईच सेल रेजिस्टेंस आप इसको बोल दो, या फिर ईच सेल इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसको बोल दो, कितना है 0.5 ओम। कैपिटल आर क्या होता है आपके पास, लोड रेजिस्टेंस। तो अब तो बहुत आसान है, 6 गुणा 6। अच्छा ई क्या है आपके पास, ईच सेल वोल्टेज, हर एक सेल का वोल्टेज आपके पास ई है, तो ये आपको है 6 वोल्ट आपके पास है। तो 6 मल्टीप्लाई विथ 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई विथ 0.5 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15, और ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 18, दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर, और ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो ये हमने देखा सीरीज चार्जिंग सर्किट, थ्योरी हमने इसकी देख ली, और इससे अगर कोई न्यूमेरिकल आपके बनेगा तो वो न्यूमेरिकल आपका इसी तरह से बनेगा, तो वो न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर देख लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।